हम मूंग के डोसे की सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे है छिलटी मूंग दाल, आप अक्खा मूंग भी ले सकते हो या मूंग की दाल भी ले सकते हो। मैं इसे छिलके के सहित ही लेने वाली हूँ। इसे हमने रात भर भिगो लिया था, आप 4 से 5 घंटा भी इसे भिगो सकते हैं। मैंने ये 1 कप ली है। अन्य सामग्री में यहाँ पे है 3 मिर्चे, हरी मिर्चे, और ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, मैंने इसे बारीक काट लिया है। नमक है, ये है चावल का आटा 2 टेबल स्पून, और बारीक सूजी है 2 टेबल स्पून, और 1 चम्मच जीरा है। हमने इस दाल को अच्छे से धो लिया है और अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। इस मूंग में हम हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक, जीरा और नमक, और पहले हम बिना पानी डाले इसे पीस लेंगे। अगर आपको पीसने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी तो ही हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। मैं अभी इसे ऐसे ही पीस लूँगी। आप देख सकते हो हमारा ये मिश्रण, ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें मैं आधा कप पानी डालूँगी और हम फिर से इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमारा बैटर रेडी है और इसे अब हम एक बोल में निकालेंगे। आवाज़ आ रहा है क्या? हमारा डोसे का बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना थिक है। और इसमें अब हम मिलाएंगे चावल का आटा और सूजी, और हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये बैटर रेडी है और इसे अब हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम बैटर को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बैटर थोड़ा थिक ही होता है। यहाँ पे हमने पैन गरम कर लिया है और हम डोसा बनाना चालू करेंगे। इधर डोसा फैलाते समय सिर्फ एक ध्यान रखना है कि हमारा पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, वरना आपको इसे फैलाने में तकलीफ होगी और वो चिपक जाएगा। अब मैं गैस थोड़ा मीडियम कर रही हूँ और हम ऊपर से थोड़ा तेल डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स, आप यहाँ देख सकते हो ब्राउन हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे हल्के से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा डोसा बना है। इसी तरह से हम सारे डोसे बना लेंगे। जब भी आप सेकेंड डोसा डालें तब आप पैन को अच्छे से क्लीन कर लें, जिससे आपको डोसा बैटर फैलाने में आसानी होगी। हमारे मूंग दाल के डोसे रेडी है और ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।